ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत। एक मिनट, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संबंध में। तो पूर्व में हम लोगों ने देखा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन की चीजों के बारे में हमने इसमें पढ़ा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, यह न्यायालय की शक्ति के संबंध में बताया गया था। ठीक है, आज हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो 13 है इसके क्लॉज के बारे में। आप शायद अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था ठीक से, बीच का जो लॉ इंक्लूड है ऑर्डिनेंस, इस चीज को बस पढ़ा था। तो आज हम पूरा एक बार देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 आपका क्या कहता है कि लॉ मूल अधिकारों से संगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, तो मूल अधिकारों से समझिए, मूल अधिकारों को दो बातें कह रहे हैं यहाँ पे। अधिकारों के संबंध में क्या है कि असंगत और अल्पीकरण। ठीक है, कि जो चीजें मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसको असंगत घोषित करेगा, और जो मूल अधिकारों का को न्यून करती है या कम कर देती है, तो उन विधियों के संबंध में बताया गया धारा 13 के तहत, अनुच्छेद 13 के तहत। तो इसके जो चार क्लॉजेस आपके पास हैं, तो इसका जो पहला क्लॉज है ये कहता है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। ठीक, तो ये आपका कहता है संविधान पूर्व के संबंध में ये बातों को कह रहा है। ठीक है, अभी इतना समझ। दूसरा कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त, इस भाग अर्थात भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है। छीनती है मतलब उसको खत्म छीन लेती है, खत्म कर देती है या उसको कम कर देती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ठीक है, और ऐसी कोई विधि बनी तो वो उल्लंघन की मात्रा तक क्या होगी, शून्य होगी। ये आपका अनुच्छेद 13 का सब प्रश्न कहता है। फिर 3 जो है आपका, ये डेफिनेशन क्लॉज के संबंध में समझे, इस अनुच्छेद के संदर्भ में जो कहा है कि ये एक डेफिनेशन बताया गया है लॉ के संबंध में कि लॉ में क्या इंक्लूड किया जाएगा, इसको हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं अच्छे से। ठीक, तो लॉ के बारे में कहा है कि लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, बाय लॉ रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, कोई आदेश, कोई उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा से है। तो जो आपका, तो ये जो आपका अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 3 है, ये दो चीजों को डिफाइन करता है। एक तो जो लॉ है वो, कि जो लॉ है, ठीक है, लॉ इंक्लूड, कि लॉ में क्या चीजें शामिल की जाएगी, विधि के तहत किन चीजों को शामिल किया जाएगा। दूसरा आपका जो कहता है 3B के तहत, कि प्रवृत्त विधि या लॉ इन फोर्स के संबंध में, वो कहता है कि प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई। ठीक है, तो इस संविधान के पहले से दो चीजें कह रहा है कि प्रारंभ से पहले पारित की गई है या बनाई गई है, तो क्या विधि के संबंध में जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई थी, चाहे ऐसी कोई विधि या कोई भाग इस समय पूर्णतः या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं। ठीक है, तो ये लॉ इन फोर्स और लॉ को डिफाइन करता है, संदर्भ के तहत बताता है। अब जो आपका चौथा है, ये एक नया क्लॉज है, इसको जो आपका जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन का 24th जो अमेंडमेंट हुआ था 1971 के सेक्शन 2 के द्वारा। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात, अनुच्छेद 368, तो आपका 368 जो है वो है आपका संशोधन के संबंध, कि जो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, धीरे बताता हूँ। तो जो संविधान के संबंध में जो अनुच्छेद, सॉरी, अनुच्छेद 368 कहता है संशोधन के संबंध में, तो इसमें उन तरीकों को बताया गया या प्रक्रियाओं को बताया गया जिसके तहत कि संविधान के किसी भाग में या किसी उपबंधों में आप संशोधन कर सकते हैं। तो ये 13 के तहत बोला गया है कि इस संविधान, इस अनुच्छेद की कोई बात, किस अनुच्छेद की, 13 के अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 13 है, कि कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए, इस संविधान के संशोधन के किसी संशोधन को लागू नहीं, अर्थात 13 में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटी है चार जो आपके सब क्रॉस दिए गए हैं 13 में, तो आपको एक बार अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो आपका जो पहला और दूसरा है इसको आप समझिए कि इनमें दो बातों को कहा गया। पहला तो ये जो आपका जो संविधान के सारांश है ठीक है, मतलब ये कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या संविधान पूर्व विधि, जब हमारा संविधान नहीं बना था उसके पहले की जो विधियां यहाँ पे लागू थी या अधिनियमन जो चल रहा था उन सारी चीजों के बारे में कहता है, ठीक है। और दूसरा जो आपका सब क्लॉज टू है वो कहता है संविधान के आने के बाद के बाद, तो ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीजों को समझेंगे कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, कि जब हमारा संविधान लागू किया गया तब क्या, जब संविधान लागू किया गया तो उसके पहले भी बहुत सारे नियम कानून अधिनियमित किए गए थे ना, जिससे बाकी सारी चीजें गवर्न होती थी, तो उस समय की चीजों को लेकर। और आपका दूसरा जो कहता है कि जब आपका संविधान लागू कर दिया गया तो उसके बाद की चीजों को लेकर, तो इन दोनों में इन क्लॉजों को बताया गया है, ठीक है। और आपका जो अनुच्छेद 3 है ये डेफिनेशन के बारे में संबंध में बताता है कि लॉ क्या होगा, लॉ इन फोर्स क्या होगा। और चौथा जो आपका है वो 368 को बताता है कि जो भी संविधान में संशोधन किया जाता है तो वो 13 इस संशोधन अर्थात 13 में वो लागू नहीं किया जाता, ठीक। ये आपका एक फ्रेम है आज के में इतना चीजों को हम समझेंगे। तो आपको एक चीज और बताना है कि जो जो आपका पहला और दूसरा जो है जो अनुच्छेद 13 है इसके साथ आपके तीन सिद्धांत काम करते हैं या तीन डॉक्ट्रिन काम करते हैं। एक एक आपका डॉक्ट्रिन का तीन डॉक्ट्रिन है, तो पहला है सेवरेबिलिटी जिसको बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप जिसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत, और तीसरा आपका है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर या अधित्याग का सिद्धांत। तो इन तीनों सिद्धांतों के संबंध में भी हम आगे चर्चा करेंगे जो इन्हीं के साथ कनेक्ट है, ठीक। यहां तक समझ आ गया? यस सर। तो सर अब हम ये देखते हैं। 24वें संशोधन ने बताया 1971 के कि जो अनुच्छेद 13 है उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता हाँ, है ना। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं और अच्छे से जब उस क्लॉज में आएंगे तब, ठीक है। चौथे जी सर। क्लॉज में पहुंचेंगे, अभी पहले में डिस्कस करते हैं। जो आपका पहला है अनुच्छेद 13 का एक, वो क्या कहता है कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक विभाग 3 के उपबंधों से असंगत है, ठीक है। तो आपका जो संविधान लागू कब किया गया, 1950 में लागू किया गया पूरी तरह से, ठीक है। क्योंकि जब अगर आप 1949 की बातें भी हेमंत देखें। सर, हाँ हेमंत सर सर जी एक सर मिनट है ना। देखो जो क्लॉज 4 है ना, ठीक है, ये आर्टिकल 13 का, उसका बोलने का मतलब ये है कि अगर आप संशोधन के द्वारा कोई चीज उपबंध करेंगे है ना, तो उस उपबंध को संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं हो। तो ये इस अनुच्छेद की कोई बात, तो ये जो प्रोविजन आपको दिया हुआ है वो 368 के अधीन आप कोई क्या करेंगे, कोई संशोधन करेंगे तो उसको लागू नहीं होगा, ये ऐसा बोलना है, ठीक है। तो ये प्रोविजन ऐसा बोलने का मतलब ये था कि जो भी संशोधन किया जाएगा उसको विधि नहीं मानोगे आप, तो विधि के बारे में बताया हुआ है ना अनुच्छेद 13 में, इसका बोलने का मतलब ये था, लागू नहीं होगा ऐसे नहीं है ना। तो ये जो मतलब 13 को लागू नहीं होगा डेढ़ सौ ऐसे नहीं बताइए है, तो। हाँ 13 का जो उपबंध है वो संविधान संशोधन के जो संशोधन होंगे उनको नहीं लागू होगा, ऐसा है। संशोधन के प्रभाव 13 को लागू नहीं होंगे ऐसे नहीं है, 13 के उपबंध जो संविधान संशोधन करके जो विधियां बनाई जाएंगी उनको लागू नहीं होगा, ऐसा बोलना, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब हम जो अनुच्छेद आपका 13 है, अनुच्छेद 13 के तहत, तो जो आपका सब क्लॉज 1 और 2 है, तो इसको जो पहला सब 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 क्लॉज 1 है उसको आप समझिएगा संविधान पूर्व निर्मित विधियों के संबंध में वो बात को कह रहा है, और सब क्लॉज 2 है वो कहता है संविधानोत्तर विधियां जो संविधान के लागू होने के बाद की विधियों के बारे में वो कहता है, ठीक। तो जो पहली जो बात है 13 का पहला क्या कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधि
उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे उस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। ठीक है, तो वो असंगत क्या बोल रहा है कि मूल अधिकारों के संबंध में बात कह रहा है। इसमें हम आगे देखते हैं तो आप इस चीज को समझते जाइएगा कि जो आपका अनुच्छेद 13 में जो सब क्लॉज 1 है। सर नहीं समझ आया सर, फर्स्ट कोई और समझाइए ना। मैं फर्स्ट सर क्लॉज ही नॉर्मल समझा वर्ड रहा में। हूँ। हाँ ठीक, समझा रहा हूँ ना नॉर्मल वर्ड में। देखिए क्या कहता है, ध्यान से सुनते जाइएगा कि जो संविधान का प्रारंभ का जब हुआ 1950 से लागू किया गया पूरी तरह से, ठीक है, तो उसमें बोला गया आपको कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, अब जो संविधान लागू हुआ उससे पहले भारत बहुत सारी विधियों से गवर्न होता था। ठीक है, मतलब बहुत सारी यहाँ पे विधियां चलती थी। जब तक भारतीय संविधान नहीं आया तब तक क्या चलता था हमारे पास बताओ? मुस्लिम लॉ चलता था, उसका फिर ब्रिटिश लोग का भी चलता था, ब्रिटिश सब मिक्स चलता था सर। ठीक ठीक है, तो बहुत सारी विधियां चलती थी। आप लोगों को याद होगा कि 1995 अनुच्छेद 395 में आपने एक बात पढ़ी थी निरस्त के संबंध में कि इस अधिनियम के लागू होने के साथ साथ आपका कौन सा दो एक्ट खत्म किया, भारत शासन अधिनियम 1935 और स्वतंत्र अधिनियम 1947। तो उस अधिनियम से ये सारी चीजें चलती थी। ठीक है, वो सबको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो उसी तरह की जो अन्य विधियां थी कि ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवेश, अब भारत का राज्य क्षेत्र कौन सा था, जो ब्रिटिश राज्य क्षेत्र था उस समय का, भारत आजाद हो गया 1957 में, तो अब जो भारत का जो संपूर्ण राज्य क्षेत्र उस समय का था जिसमें पाकिस्तान अलग हो चुका था, बांग्लादेश अलग हो चुका था, नेपाल उधर अलग था, जो उस समय हमारे जितने राज्य थे उन सबके साथ मिलके, ठीक है, प्रवर्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी। ठीक है, तो उस समय की जो भी विधियां जो लागू है, ठीक है, जो चली आ रही है, तो वो कब तक, कब किस मात्रा में शून्य होगी, कह रहा है कि वो अब शून्य हो जाएगी कब, कि जिस जिस जब इस भाग के उपबंधों से असंगत, तो अगर इस भाग के जो उपबंध उससे असंगत है, मतलब अगर कोई विधि ऐसी थी पूर्व जिससे किसी के मूल अधिकारों के का हनन होता, ठीक है, और भारतीय संविधान के तहत अब सबको मूल अधिकार प्रदान कर दिए गए, जैसे मान लो पहले अगर ये नियम था मान लो कि जो भी महिला है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, एक उदाहरण के संबंध में समझो, ठीक है, कि एक महिला है उसको, हेमंत सर, हेमंत सर एक एक मिनट है, क्या आयुषी क्या नहीं समझ में आया तुमको सर? वो मतलब सर उसका खंड एक समझ नहीं आया क्या बोल रहा है बोल के। देखो एकदम साधारण भाषा में सुनो कि अगर संविधान बोलता है कोई चीज ऐसा है, ठीक है, और संविधान के लागू होने से पहले कोई विधि बोलती है जो वैसा नहीं है, ठीक, तो संविधान बोल रहा है और वो पुरानी विधि बोल रही है नहीं है, तो ऐसे सभी विधियां जो हैं असंगत हैं इसीलिए शून्य हो जाएंगी, ठीक है? यस सर, समझ ही आई। हाँ चलो सर आगे देखो। यस सर, ठीक है, तो अब ये आपका क्लॉज हो गया। अब देखिए, अब जो संविधान है उसका आपका जो द इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 13 इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, इसका जो प्रभाव होगा वो भूतलक्षी नहीं होगा। जिस दिन भूतलक्षी मीन्स कि जो चीज आज चल रही है उसी पे ये जो हमारा संविधान है वो लागू होगा, पूर्व में जो चीजें हो चुकी उस पर यह लागू नहीं होगा ये कहता है। ठीक है, जो मूल अधिकार से संबंधित संविधानिक प्रावधानों का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, कि जो मूल अधिकार हमको अब दिए गए 1950 के बाद से ये चीजें लागू हुई, कि 1950 का हमारा संविधान आ गया उसके बाद से जो भी आप राइट्स की बात कर रहे हो, जो भी आप अधिकारों की बात कर रहे हो, मतलब जितने भी प्रोविजन की आप जो भाग 3 के तहत कर रहे हो वो अब 1950 के बाद लागू होंगे, वो पूर्व की चीजों में लागू नहीं होंगी ये कहता है। ठीक है, और इसमें यह है कि संविधान के लागू होने के पूर्व जो विधि बन चुकी है वे संविधान के लागू होते ही प्रारंभ से अवैध नहीं मानी जाएगी, यदि वे संविधान के प्रावधानों से असंगत हैं तो संविधान के लागू होने के समय में से उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि संविधान के लागू होने के पूर्व जो विधि बन चुकी है, जब भारतीय संविधान लागू हुआ उसके पहले कई सारी विधियां बन गई थी, जैसे हमारा भारतीय दंड संहिता 1807 वो बन चुका था। ठीक है, अब उसी का उदाहरण से आप समझते जाओ, वे संविधान के लागू होने के प्रारंभ से ही अवैध नहीं मानी जाएगी।
ठीक है, तो हमारे जो सब वो मान लो जिस एक्ट को लेके बात कर रहे हैं, तो हमारा संविधान लागू हो गया तो उसको हम अवैध नहीं मानेंगे, वो चीज चलता रहेगा। अगर उस आईपीसी में कहीं पे ऐसा क्लॉज दिया होता जिससे किसी के मूल अधिकारों का हनन होता, तब उसको हम अवैधता या उसकी वैधता या अवैधता के बारे में हम सोचते। ठीक, अगर वो उन जो भी संविधान भारतीय संविधान के जो प्रावधान दिए गए, जो आज के हमारे भारतीय संविधान के जो प्रोविजन दिए गए, जो उपबंध है, जो हमको मूल अधिकार मिले हैं, अगर उससे उसको कोई विधि उसका उल्लंघन करेगी, ठीक है, तभी उसको हम उसको हटाएंगे। जब तक वो उल्लंघन नहीं करेगी तब तक वो वैसे ही चलते रहे, जब तक वो असंगत नहीं कर देती तब तक उसका जो प्रभाव हो वैसे ही रहेगा। ठीक है, देखिए अब इसके लिए हम एक केस को समझते हैं। केशव महादेव मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट 128। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ था कि एक एक्ट था, प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931, जिसके सेक्शन 18 था। ठीक है, मतलब एक एक्ट था प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट, जिसमें क्या बोला गया था कि उस एक्ट के तहत एक जैसे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था कि आप इस तरह का लेख प्रकाशित नहीं कर सकते किसी भी तरीका का। उसको बताया नहीं गया, ठीक है, कि एक तरह का कोई लेख है जो आप प्रकाशित नहीं कर सकते हो, और अगर आपने ऐसा प्रकाशन किया, जैसे आपने भारत सरकार के खिलाफ बोल दिया, मतलब आपने मान लो किसी ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ बोल दिया है, या कुछ भी कोई भी खिलाफ के खिलाफ है, तो उस टाइप का वो एक्ट था। तो उसमें प्रकाशन के बारे में बोला गया था कि आप इन चीजों को प्रकाशित नहीं करो, और अगर आपने ऐसा प्रकाशन किया तो आपका यह कार्य पनिशेबल होगा या दंडनीय होगा। ठीक है, तो ये जो केशव महादेव के ऊपर इस अधिनियम के तहत मामला बना और ये केस चला। तो ये केस आपका जो दिखा रहा है, इसका जजमेंट डेट है आपका 1951 और ये केस था आपका 1949। ठीक है, अभी अब केस रजिस्टर हो गया, जब इसका ट्रायल चल रहा था, विचारण चल रहा था, उसी समय क्या हुआ कि 1950 में भारतीय संविधान लागू हो गया। ठीक, और भारतीय संविधान के तहत आपने एक चीज पढ़ा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत 19(1)(a) जो कहता है, ठीक है, तो आपको मैं बताया था कि आपको बोलने भाषण देने की स्वतंत्रता जो दी गई है, वाक एवं भाषण की स्वतंत्रता, जिसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी अब शामिल है, तो उसमें बोला गया है कि बोलने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। और वो जो पूर्व में जो एक्ट था उसमें बोला गया था आपका कि आपको इन चीजों को प्रकाशित नहीं कर सकते, तो वो आपके अधिकारों का हनन कर रहा था। ठीक है, तो ये केस जब चला तो ये 1950 का ईयर पहुंच गया था, मामला 1949 का था। समझ गए यहां तक? ठीक है, तो जो ये मेमन जो थे, जो भी अभियुक्त था, उन्होंने कोर्ट में कहा कि भाई अब तो हमारा संविधान लागू हो चुका है और संविधान के तहत मुझे स्वतंत्रता मिल चुकी है, तो मैंने जो पूर्व में जो गलती हुई थी या जो मेरे ऊपर जो अभियोग चला जा रहा है उसको आप खत्म कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका आर्गुमेंट था अभियुक्त का कि भैया कि पुराने एक्ट के तहत मुझको जो गिरफ्तारी चल रही है, जो मेरा अभियोग चल रहा है, उसको खत्म कर दीजिए, तो उसके लिए कहा कि अब जो भी अपीलार्थी का कृत्य संविधान पूर्व निर्मित विधि के अंतर्गत आता है, अथा उसे उसी के अधीन दंडनीय माना जाए। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप भारतीय संविधान लागू हो गया तो आपने पूर्व में जो गलतियां की है उसके लिए आपको माफी अभी नहीं मिलेगी, जो भी पूर्व में जो अधिनियम चल रहा है आपको उसी के तहत सजा मिलते रहेगी। अगर आपका मामला आज का होता तो अब आपको इससे छूट मिल सकती थी, आपको बचाव के तौर पर आपको इस बात को कह सकते, लेकिन ये मामला पूर्व का है। तो इससे क्या समझ आता है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है या जो भारतीय संविधान है, इसका भूत लक्षी प्रभाव नहीं होगा। पूर्व की जो घटनाएं हुई हैं उसमें भारतीय संविधान के उपबंध लागू नहीं होंगे, तो 1950 के पूर्व की चीजों पे भारतीय संविधान के जो उपबंध है वो लागू नहीं होंगे, ये कहता। समझ आया? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब इसी केस के बाद, मतलब इस केस के साथ साथ अब हमारे पास कुछ डॉक्ट्रिन हमारे पास सामने आए, जिसको बोला जाता है पृथक्करण का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेशन। उसके बाद होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप या बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। फिर होता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर या अभित्याग का सिद्धांत। ठीक है, तो इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पृथक्करण से आप क्या समझते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेशन से आप क्या समझते हैं कि पहली बात तो वो सेपरेशन की बात करता है, अलग करने की बात कहता हो। ठीक है,
ठीक है, तो ये किस चीजों को सेपरेट सेपरेट करने की बात कहता है कि जैसे एक उदाहरण समझिए कि जब चावल में कंकड़ होता है तो आप कंकड़ को निकाल के फेंकते हैं ना, कि चावल को निकाल के फेंकते हैं, तो उसी तरह से जो सेपरेट द वैलिड पोर्शन ऑफ द लॉ फ्रॉम द इनवैलिड पोर्शन प्रोविजन, जो भी अवैध जो संविधान पूर्व निर्मित विधियों के अंतर्गत कुछ प्रावधान संविधान के प्रावधान से असंगत है, तो इनमें संपूर्ण विधि शून्य नहीं होती, अपितु केवल वही उपबंध शून्य माने जाएंगे जो असंगत है तथा शेष उपबंध यथावत प्रभावशील बने रहेंगे। जैसे मैंने आपको उस पिछली क्लास में एक उदाहरण दिया था कि जिस तरह आप कोई जैसे कोई सब्जी का प्रयोग करते हैं आलू का, तो अगर कुछ भाग उसका खराब होता है तो आप उस भाग को निकाल कर फेंकते हैं, ना कि पूरे उसको फेंकते हैं, मतलब पूरा आप सब्जी को नहीं फेंकेंगे, सिर्फ उसके कुछ भाग को फेंकेंगे। तो उसी में ये पृथककरण की बात को कहा गया कि आप केवल उन चीजों को ही हटाएंगे जो चीजें जो हमारे जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार हैं उसको असंगत बनाती या उसका उल्लंघन असंवैधानिक जो होंगी, हाँ जो असंवैधानिक हो जाती है, ठीक है। यदि ऐसे ठीक है, फिर इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें की बात कही गई थी उसमें कि वो क्या शर्तें होंगी कि जब पृथककरण की नीति को आप अपनाएंगे, तो देखिए असंगत प्रावधान शेष प्रावधानों को प्रभावित किया बिना आसानी से पृथक किया जा सकता हो तब, कि देखिए अगर आपको उसको जब अलग करने की बात है तो अगर पूरा एक्ट में अगर कुछ कुछ पार्ट है ठीक है, तो आप उसको अगर हटा देंगे और वो तब उसको अगर वो आसानी से पृथक किया जा सकता है या अलग किया जा सकता है तब अलग कर देंगे, तब ये चीजें लागू की जाएगी आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन या पृथककरण का सिद्धांत। दूसरी बात है, यदि ऐसा प्रावधान एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि उन्हें एक दूसरे को प्रभावित किया बिना आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, तो संपूर्ण विधि का प्रभाव अवैध विधि का होगा। अगर देखिए अगर आप उस चीज को अलग कर सकते हैं तब आप उसको अलग करेंगे, लेकिन अगर आप वो अलग करने लायक नहीं या अलग नहीं किया जा सकता है ठीक है, तब क्या करेंगे वो पूरी विधि को हम क्या अवैध की तरह मानेंगे, ठीक है। अब इसके लिए कुछ केसों को हम समझते हैं। तो आपका जो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1951 के मामले में निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 को विधि मान्यता की चुनौती दी गई, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की विधि मान्यता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति ले ली गई थी, ठीक है। तो ये एक निवारक निरोध अधिनियम बना था जिसके तहत क्या होता था कि जो न्यायालय है उसको किसी व्यक्ति की विधि की गिरफ्तारी की विधि मान्यता को जांच करने की न्यायालय की शक्ति को ले ली गई थी, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने धारा 14 को जो निवारक निरोध अधिनियम 1950 था उसकी धारा 14 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि इस धारा को अलग कर देने से इसकी प्रकृति संरचना या उद्देश्य में कोई परिवर्तन प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। फिर जो दूसरा केस था बंबई राज बनाम बालासारा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बालासारा AIR 1951 ST 318 ठीक है। तो इसमें जो आपका एक इसमें केस क्या इसमें क्या होता है कि इसमें बम्बई प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के कुछ प्रावधान नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले थे, अतः न्यायालय ने इन प्रावधानों को शक्ति बाह्य घोषित कर दिया और शेष को यथावत बनाए रखा, ठीक है। तो ये जो बम्बई प्रोहिबिशन एक्ट 1949 था ठीक है, तो जो ये एक्ट था तो उसको क्या किया, कुछ प्रावधान जो थे वो नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिलंघन करने वाले थे, जो उनके मूल अधिकारों को खत्म कर देते थे या उसको खत्म करते थे, ठीक है। तो न्यायालय ने उन प्रावधानों को शक्ति बाह्य घोषित कर दिया और शेष को यथावत उस एक्ट को बनाए रखा, लेकिन उन उपबंधों को हटा दिया जिनसे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता था या अतिलंघन होता था, ठीक है। अब आगे जो हम लोग के दूसरा केस देखते हैं रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट 124 ठीक है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां की विधि का आशय मूल अधिकारों पर निर्बंध लगाने का प्राधिकार देना है और वहां ऐसी व्यापक भाषा में है
ठीक है, तो कहा क्या कि जहां किसी विधि का आशय मूल अधिकारों पर निर्बंध लगाने का, ठीक है, कोई ऐसी लॉ, ऐसा कोई लॉ बन रहा है जिसका क्या है मोटिव या आशय है कि वो क्या करता है मूल अधिकारों पर वो निर्बंध लगाता है या रोक लगाता है, या ऐसा कोई प्राधिकारी देता है, तो वहां ऐसा व्यापक भाषा में संविधान द्वारा विहित सीमाओं के अंदर और बाहर दोनों प्रकार के निर्बंधों में आती है, और जहां दोनों को पृथक करना संभव नहीं है वहां पूरे अधिनियम को ही अवैध घोषित कर दिया जाएगा। जब तक कि ऐसे प्रयोजनों के लिए जो कि संविधान द्वारा अनुमोदित नहीं है उसे लागू होने की संभावनाओं को दूर नहीं कर दिया जाता, तब तक उस विधि को पूर्णतः असंवैधानिक एवं शून्य घोषित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो वो वही बात मैं बताया जो आपको पूर्व में, कि अगर आपके किसी भाग को जब आप आसानी से जब अलग कर सकते, ठीक है, तो आप अलग कर सकते हो, उसको अलग कर देंगे, लेकिन अगर कुछ चीज इतनी ज्यादा मिली हुई है जिसको अलग नहीं किया जा सकता तो आप क्या करेंगे, उस सारी चीजों को उठा के फेंक देंगे, अर्थात उसको या फिर अवैध घोषित कर। ठीक, फिर आपका दूसरा एक केस है आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1957 सुप्रीम कोर्ट 628। ठीक है, तो इसमें पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम की कुछ धाराओं की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। ठीक है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जुआ प्रकृति की प्रतियोगिता पर प्रतिबंध लगाना था, लेकिन अधिनियम की भाषा इतनी व्यापक थी कि वह कौशल एवं अकौशल सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं को सम्मिलित करती थी, ये दोनों एक दूसरे से पृथक की जा सकती थी, अतः न्यायालय ने केवल असंगत प्रावधानों को ही शून्य घोषित किया, अन्य को नहीं। ठीक है, तो इस मामले को एक बार और अच्छे समझ लेते हैं कि इस मामले में क्या हुआ था कि जो आपका पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम उसकी धारा 2D पर संवैधानिकता पर आपत्ति लगाई गई कि ये संविधानों के जो हमारे मूल अधिकार हैं उसका उल्लंघन करता है कि नहीं। ठीक है, तो इस अधिनियम का मुख्य आशय जुआ प्रतियोगिता जुआ प्रकृति की प्रतियोगिताओं पर निर्बंध लगाने का था, जो भी अब जुआ होता है जैसे शर्तें लगाते हैं, ठीक है, उस सारी प्रतियोगिताओं पर निर्बंध लगाने का था, किंतु इसकी जो भाषा इतनी व्यापक थी कि इसके अंतर्गत ऐसी प्रतियोगिताएं जिनमें कौशल भी शामिल था आ जाती थी। ठीक है, तो इन्होंने जुआ प्रतियोगिता के संबंध में बताया था, लेकिन इन्होंने जो अपना एरिया बनाया था उसमें आपका कौशल और अकौशल दोनों चीजों को डिफाइन किया गया था। तो कौशल में कुछ चीजें ऐसी आती थी जिसमें जैसे आज के समय हम क्रिकेट को देखते हैं, वो कौशल के तहत आता है, लेकिन उसमें भी जुआ लगते हैं। ठीक है, उस सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अधिनियम के उपबंध पृथक करने योग्य थे और केवल उन उपबंधों को निकाल दिया गया जिनके अंतर्गत कौशल वाली प्रतियोगिताएं भी आ जाती। इस प्रकार न्यायालय ने रोमेश थापर में दिए गए अपने निर्णय को प्रभावी रूप से संशोधित कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जहां मूल अधिकारों से संगत उपबंध ऐसे व्यापक भाषा में है जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा अनुमोदित सीमाओं के अंदर या बाहर दोनों प्रकार के निर्बंधों को शामिल करते हैं और उन्हें संविधान द्वारा अनुमोदित सीमाओं के अंदर लागू नहीं किया जा सकता, तो उनको शून्य घोषित करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो संक्षेप में आरएमडीसी के मामले में यह निर्णय यह था कि जहां अवैध अंश के निकाल देने के पश्चात जो शेष बच रहता है वह पूर्ण अधिनियम बना रहता है, तो पूरे अधिनियम को अमान्य घोषित करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, यदि आप किसी चीज को छांटते हैं और वह तब भी छांटने के पश्चात भी अगर वह वैसा ही बना हुआ है, उसके जो उद्देश्य है और उसका जो प्रक्रिया है और जो भी उसकी जो चीजें उसमें बंधित की गई है, अगर उसका वही प्रभाव तब भी बना रहता है कि आप असंगत चीजों को हटाने के बाद, जैसे मैं बताया, ठीक है, जैसे जो असंगत चीजों को आप हटाने के बाद अगर उसका प्रभाव उसी तरह बना रहेगा, ठीक है, और जो जब आप उन चीजों को निकाल देंगे और उसका प्रभाव उसी तरह बना रहेगा, तो आप क्या करेंगे कि जो पूरा एक्ट है उसको आप अमान्य घोषित तब नहीं करेंगे। समझ गए इस चीज को, कि अगर उन चीजों को आप अगर उन चीजों को हटाने के बाद भी अगर वो वैसा ही रहा तो आप उसको पूरी तरह से फिर से वैसे ही लागू रहेंगे, लेकिन अगर वो चीजें से अगर उसकी प्रकृति खत्म हो जाती है, अगर किसी अधिनियम का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, उस पूरे एक्ट को हटा देंगे। फिर आपका अगला केस था कि होतो होलो
बनाम जाचिलू एआईआर 1993 सुप्रीम कोर्ट 420 412। ठीक, तो इस मामले में दलबदल अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, किंतु यह निर्णय दिया गया कि उसे निकाल देने से पूरे अधिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह विधि मान्य बना रहेगा। पैरा 7 के अधीन स्पीकर का निर्णय दल बदल के प्रश्न पर अंतिम बना दिया गया था। ठीक, तो ये आपका की हो तो होलो वाला जो केस है, ये आपका दल बदल अधिनियम के दल बदल से संबंधित है। ये आपका जो संसद में जो दल बदल का के तहत कुछ होता है, इसके बारे में सर आपको पता है क्या? थोड़ा सा मेरे को जानकारी नहीं है। कौन सा वाला केस है? ये दल बदल वाला जो है आपका संविधान में, हाँ वो केस का मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा अभी, दो तीन केस उससे जुड़ा हुआ कि तो ये कि हो तो होलू तो ये फेमस केस है इसका। हाँ तो इसमें ये इसके तहत ये बोला गया है इस केस के तहत कि जो दल बदल अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची के पैरा 7, जो हमारे भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, ठीक है, उसके पैरा 7 को संवैधानिक घोषित कर दिया, किंतु यह निर्णय दिया गया कि इसको निकाल देने से पूरे अधिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह भी मान्य बना रहता। तो पैरा 7 के अधीन स्पीकर का निर्णय दल बदल के प्रश्न पर अंतिम बना दिया गया था। ठीक है, तो ये जो अधिनियम बनाया गया था, तो दल बदल एक कानून होता है जिसमें कि पार्टीज अपना मतलब जैसे जो पार्टी जीत के जाता है तो अपना दल बदल लेते हैं, मीन्स अपनी पार्टी बदल लेते हैं, इस टाइप का कोई कुछ होता है, मेरे को अभी ठीक से नहीं पता, इसमें याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसमें जो जो पैरा 7 के तहत जोड़ा गया था कि दल बदल, उसमें ऐसे है सर, उसमें क्या किया था कि न्यायालयों की जो अधिकारिता है उसका वर्जन कर दिया था, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, जो पैरा 7 है वो है न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। तो उसके मुताबिक क्या हुआ था कि बोला है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निर्हरता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी। तो इस पैरा को वो कि हो तो होलोहान बनाम जाचिल्लू को असंवैधानिक कर दिया था घोषित। ठीक है, तो ये आपके केसेस थे। अब हम इसका एक ये आच्छादन के जो पृथक्करण का सिद्धांत है, इसके एक आखिरी चर्चा करते हैं कि इसके उद्देश्यों के संबंध में समझते हैं कि अब इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो जो पृथक्करण का सिद्धांत है, इसके दो मूल उद्देश्यों को हम जितना हम लोगों ने अध्ययन किया उसे आप उसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या है कि जो भी कोई भी अधिनियम, जहां किसी अधिनियम में दो प्रकार की व्यवस्था की गई है तो उनमें से एक मूल अधिकारों से असंगत हो तो असंगत व्यवस्था को शून्य मानी जाएगी। ठीक है, तो जितना हम लोगों ने अध्ययन किया उसे आप समझिएगा कि कोई अधिनियम दिया गया है तो उसमें अगर दो प्रकार की व्यवस्था है, जो उसमें जितने भी क्लॉजेस दिए गए हैं, जितने भी भागों में उसको बांटा गया है उस अधिनियम में, ठीक है, अगर उसमें ऐसी व्यवस्था है और उनमें से अगर एक मूल अधिकारों से असंगत हो तो असंगत व्यवस्था को शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसी व्यवस्था है कि उसमें जो अधिकारों के संबंध में कुछ चीजें बातें लगाई गई है, कोई रिस्ट्रेन लगाया, कोई निर्बंधन लगाया गया है और वो लगता है कि हमारे मूल अधिकारों को असंगत कर रहा है, तो उन चीजों को क्या किया जा सकता है, शून्य घोषित किया जा सकता है और बाकी चीजें आपकी एज इट इज चलती रहेगी। लेकिन अब दूसरी बात समझिएगा, जहां दोनों प्रकार की व्यवस्था एक दूसरे से इस प्रकार मिली जुली हो कि उनको आसानी से प्रभावित किए बिना, ठीक है, पृथक नहीं किया जा सकता, तो वहां पे संपूर्ण अधिनियम को शून्य माना जाए। तो ये किसी भी अधिनियम को बचाने के उद्देश्य से है कि अगर वो कोई अधिनियम बना और वो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो अगर ऐसा कोई क्लॉज उसमें है कि मूल अधिकारों को जो मूल अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है, उन क्लॉजों को खत्म शून्य घोषित कर दिया जाए, ठीक है, तब वो अधिनियम जो भी है वो अधिनियम बरकरार रहेगा। लेकिन अगर ऐसे मात्रा में है कि उसका जो मिला जुला स्वरूप है कि अगर आप एक भाग को खत्म करेंगे तो दूसरा भाग प्रभावी होगा और इससे पूरा अधिनियम ही अपनी प्रकृति को खो देगा,
तब उस पूरे अधिनियम को ही शून्य या अवैध घोषित कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए यहां तक? हाँ सर। यस सर। देखो अभी जैसे हेमंत सर ने जो बताया, जैसे हम जब भी क्या करते हैं आर्टिकल 13 पढ़ते हैं ना, तो उसमें सबसे पहली चीज तो जो पावर पढ़े हम कल की क्लास में है ना, तो जुडिशियल रिव्यू का पावर था। तो जुडिशियल रिव्यू का पावर कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 13 से मिलता है, जो कल डिटेल में देख चुके थे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे तीन डॉक्ट्रिन है इस आर्टिकल में है ना। तो क्या है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत। कितने सिद्धांत है? तीन सिद्धांत है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, दूसरा आच्छादन का सिद्धांत, और तीसरा जो है अभित्याग का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत याद अभी रखिएगा, क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं इससे, है ना। तो अब देखो जो पृथक्करणीयता को सारांश रूप में समझते हैं क्या होता है। जैसे क्या है कि कोई विधि है, उसका कोई उपबंध जो है वो मूल अधिकारों से असंगत है। माइक बंद कर लेना शिशिर, है ना। तो अब क्या करेंगे कि अगर उस उपबंध को उस विधि से अलग किया जा सकता है संपूर्ण विधि से, तो क्या किया जाएगा कि अगर पृथक्करण संभव हो तो असंगत वाला जो प्रावधान दिया हुआ है वो निष्प्रभावी हो जाएगा, और बाकी जो उपबंध असंगत नहीं है वो लागू रहेंगे। तो आपको इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे बहुत सारे संशोधनों में, जैसे आपका 42वें संविधान संशोधन में जो खंड 4 और 5 था, केवल उसी को असंवैधानिक घोषित किया गया था। बाकी जो संशोधन हुए थे 42वें संविधान संशोधन से, उनको कायम रखा गया था, बहुत सारे संशोधन को। तो क्या है कि वहां पे न्यायालय ने क्या किया, पृथक्करणीयता का सिद्धांत लगाया कि ये प्रावधान मूल अधिकार के असंगत हैं या बेसिक स्ट्रक्चर के असंगत हैं, तो इनको अगर अलग किया जा सकता है विधियों से तो क्या करेंगे कि इनको पृथक कर दिया जाएगा और ये असंगत जो है वो शून्य हो जाएंगे, और बाकी के जो प्रावधान विधियों के हैं वो लागू रहेंगे। तो इसको संक्षेप में बोलते हैं हम पृथक करणीयता का सिद्धांत। अब देखते हैं हम दूसरा जो सिद्धांत है, वो आच्छादन का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, आप लोग ग्रहण सुने होंगे ना, ग्रहण, सूर्य ग्रहण पता है सबको। ठीक है, तो ये इक्लिप्स जो दिया हुआ है ना, ग्रहण आच्छादन जो है, आच्छादन का मतलब होता है ढक लेना, तो ग्रहण का मतलब भी अपन वैसे ही समझते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस सिद्धांत में क्या दिया हुआ है। तो देखो जैसे सूर्य ग्रहण कैसे होता है, सूर्य के बीच है ना, सूर्य है और पृथ्वी के बीच में, मतलब हम लोग हैं समाज जैसा मान लेते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो हमको क्या दिखता है, हमको सूर्य नहीं दिखता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण सूर्य बोलते हैं। ग्रहण। ठीक है, तो अब इसी को, इस आच्छादन के सिद्धांत को समझने के लिए यही उदाहरण लेते हैं हम। क्या करते हैं कि जो सूर्य है, ठीक है, इसको हम समझते हैं कोई विधि है, ठीक, संविधान पूर्व निर्मित विधि है कोई, है ना। और जो पृथ्वी है वो समाज है या भारत है, और जो चंद्रमा है वो क्या है, संविधान है। तो संविधान का जब भाग 3 बना, तो संविधान जैसे ही प्रवर्तन में आया तो उसके प्रवर्तन में आने के कारण क्या है कि वो विधियां जो असंगत थी, तो असंगत होने का मतलब क्या है कि उल्टी है या फिर विपरीत है। तो चांद जैसे है तो चांद के पीछे वाला जो एरिया है आप उसको समझो कि वो क्या है, विपरीत चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सूर्य नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होगा, विधि अब प्रवर्तन में नहीं रहेगी, है ना। जैसे हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं, वैसे ही क्या है कि जो विधियां हैं वो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। तो इसी चीज को बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत, कि संविधान के लागू होने के बाद, है ना। सर एक बार वो जो 13 का क्लॉज 1 है, थोड़ा सा ऊपर करिए तो स्लाइड को, थोड़ा सा हेमंत सर, ठीक है। तो यहां पे देखना, जो
उपखंड है, ठीक है, जो आर्टिकल 13 है उसका, तो उसको पढ़ोगे तो क्या बताता है ये कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंध के असंगत हैं। मतलब हमने अगर भाग 3 में कोई ऐसा उपबंध किया है और कोई ऐसी विधि है जो उसके असंगत है, मतलब विपरीत प्रावधान करती है, तो वो शून्य हो जाएगी। तो अब यहां पे देखना कि अगर हमने संशोधन करके संविधान में उस उपबंध को संशोधित कर दिया, जैसे संविधान बोलता है कि कोई चीज है और कोई विधि है जो क्या बोलती है, नहीं है, तो यहां पे विपरीत है दोनों, तो जो पूर्व विधि है जो बोलती है नहीं है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और हमने क्या किया कि कुछ समय बाद क्या किया कि संविधान में संशोधन करके जो है वाला भाग है उसको हमने क्या कर दिया, नहीं है कर दिया। तो नहीं है संशोधन करने के बाद ये दोनों समान हो गए प्रावधान, तो अब क्या होगा कि वो विधि जो असंगत हो गई थी और शून्य हो गई थी वो फिर से लागू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर, संशोधन के बाद, है ना। तो हमने अगर संविधान के प्रावधान को बदल दिया तो जो आच्छादन है वो हट गया, मतलब जैसे ही चांद हटा वहां से तो सूरज आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ये जो है वो है आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है। तो यहां ये बोलता है कि प्रारंभ से ही शून्य नहीं होती है जो विधियां बनी रहती हैं पहले, ठीक है, बल्कि अधिकारों के प्रवर्तित हो जाने के कारण वे मृत प्राय हो जाती है, मतलब सुसुप्ता अवस्था में चल जाती है। और जैसे ही यह ग्रहण हटता है कि आपने क्या किया कि कुछ प्रावधान अगर बदल दिए, तो बदल दिए तो क्या हो गया कि अब वो पुनर्जीवित हो जाएगा, ठीक है। तो यथावत जैसे वो संविधान में लागू होने के पहले अस्तित्व में था वैसे ही अस्तित्व में आ जाएगा। अब इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, अब एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई एक विधि है जो ये बोलती है ना कि राज्य जो है, मतलब जो स्टेट है, उसको किसी व्यापार को अधिग्रहित करने का अधिकार है। प्रावधान समझ में आया, पुरानी विधि का, संविधान के पूर्व एक ऐसी विधि थी जो ये प्रावधान करती थी कि राज्य कुछ विशेष व्यापार को अधिग्रहित कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है, ऐसा प्रावधान था। तो अब क्या है कि इसके विपरीत कोई प्रावधान नहीं होने के कारण ये जो विधि है वो मान्य थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि संविधान लागू होता है और संविधान में कोई ऐसे उपबंध देता है कि ये सबको व्यापार और समागम करने की स्वतंत्रता है, जैसे अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, तो उसमें क्या किया कि व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी आपको। तो अब क्या है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता जैसे भाग 3 में आपको मिला हुआ है कोई भी व्यापार करने का, तो अब उस व्यापार को अगर अधिग्रहित करने का राज्य को अगर शक्ति है, तो ये क्या है, संविधान पूर्व विधि थी अधिग्रहित करने की, मतलब सरकार अधिग्रहित करेगा, मतलब वो व्यापार आप नहीं करोगे, सरकार करेगी अब उस व्यापार, है ना। तो अब क्या है, प्रावधान संविधान ने क्या बनाया कि सबको स्वतंत्रता है व्यापार करने, तो ये दोनों असंगत हो गए, तो क्या होगा, जो संविधान पूर्व विधि थी जो ये बोलती थी कि राज्य उस व्यापार को अधिग्रहित कर सकता है, वो प्रावधान शून्य हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि मान लो संशोधन किया जाता है संविधान में और ये बोलते हैं कि राज्य को कुछ ऐसे मतलब व्यापार है जिन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता, जैसे मान लो शक्कर का, मान ले एकदम जो क्या बोलना चाहिए आपको, एसेंशियल वो है, ठीक है, तो क्या होगा कि अब क्या बोलती है कि युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर यह अधिकार प्रदान कर देती है कि क्या करें कि वो अधिग्रहित कर सकती है अगर ऐसा प्रावधान कर देती है संशोधन के बाद। तो अब ये जो नया प्रावधान है
और जो पुराना प्रावधान था कि राज्य अभिगृहित कर सकता था ऐसे करके, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए तो क्या होगा, पुराने वाली जो विधि थी वो पुनः जीवित हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, संशोधन के बाद हो जाएगी सर, है ना, क्योंकि वो सिमिलर प्रोविजन हो गए वहां पे। तो ये जो केस था उसमें ये था कि जो व्यापार था, ठीक है, वो व्यापार का नाम था मोटर व्यापार, ठीक है, और उस एक्ट का नाम था बरार मोटर यान अधिनियम 1947, जो राज्य को ये शक्ति देती थी कि मोटर व्यापार को वो अधिग्रहित कर ले, ठीक है। अब उसके बाद अनुच्छेद जो 19(1)(घ) है, तो ये क्या करता था कि संशोधन हुआ है ना, 1950 में संविधान लागू हुआ, तो वो क्या करता था कि अनुच्छेद 19(1)(घ) का उल्लंघन करता था, जो क्या बोलता था कि नागरिकों को जीविका पेशा व्यापार या वाणिज्य करने का मूल अधिकार है। तो अब इसके उल्लंघन करने लग गया वो, तो वो शून्य हो गया वो पहले वाली जो विधि थी बरार मोटर यान अधिनियम जो था। उसके बाद क्या होता है कि 1991 में संविधान का प्रथम संशोधन किया जाता है और अनुच्छेद 19(1) में संशोधन करता है और बोलता है कि राज्य को किसी व्यापार में एकाधिकार सृजित करने की शक्ति प्रदान की जाती है, मतलब वो अधिग्रहित कर सकता है कि ऐसा कोई व्यापार जो केवल राज्य ही करेगा, या ऐसा एकाधिकार राज्य को दे दिया जाता है। तो एकाधिकार मिलना संविधान संशोधन के बाद, और पिछला जो बरार मोटर अधिनियम था उसमें उसको मोटर यान मोटर व्यापार जो था, ठीक है, उसको अधिग्रहित करने की शक्ति, तो ये दोनों सिमिलर हो गई, इसीलिए वो जो पूर्ण जो सुसुप्तावस्था में चल दिया था या शून्य हो गया था जो विधा विधि जो है बरार मोटर अधिनियम जो था वो सुसुप्त हो गया था, अब वो पुनः जीवित हो गया, ठीक है। तो ये फैक्ट समझ में आ गया केस का, यस सर, है ना। इस केस का नाम था, जो आपके डिस्प्ले में दिख रहा होगा, इस केस का नाम था भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इस केस में ये डिसाइड किया गया था, ठीक है। एक केस और नोट कर लीजिएगा, जैसे अब आपको कोई अगर पूछे कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है ना, वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे लागू होता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मतलब लॉज पे लागू होता है, ये एक्लिप्स वाला सर, संविधान पूर्व विधियों पे लागू होता है कि संविधान पश्चात विधियों पे लागू होता है? तो इस क्वेश्चन का है ना, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स लिमिटेड, नोट कर लीजिएगा, स्टेट ऑफ गुजरात, सर कोई टाइप करेगा तो कर दीजिए, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स लिमिटेड AIR 1974 SC 1300। इसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज एप्लीकेबल ऑन बोथ, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो ये चीज नोट मार्क करके रखिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो संविधान पूर्व विधियों पर और संविधान के पश्चात विधियों पर भी लागू होता है। तो यहां पे बोलता है कि रेंडर्ड वाइड बाय आर्टिकल 13(2) एंड कैन बी रिवाइव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो संविधान संशोधन के बाद उसको रिवाइव किया जा सकता है उस विधि को, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए, किसी को नहीं समझ में आया होगा या बोल नहीं पा रहा होगा तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े। क्लियर है सर। संध्या, आयुषी, धीरज, क्लियर है सर, ज्योति है, नहीं है, ठीक है। तो सोनी सर, नेक्स्ट वाला डॉक्ट्रिन बता दीजिए आप। हेलो, यस सर, सर गुड इवनिंग,
गुड इवनिंग। अरे सुदीप सर सुनो ना, हाँ स्लाइड नहीं है मेरे पास। हेमंत सर, ये तो दिख रहा है सर, ये अभिप्राय का सिद्धांत वही तो है, तीन केस तो है। ये चलने दो ना। हाँ ठीक है ठीक है, ये तो है ना। हाँ ठीक, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अधित्याग का सिद्धांत, जिसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, है ना। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, वेवर या अधित्याग से मतलब क्या समझते हो? छोड़ देना, छोड़ देना, त्याग करना, त्याग करना। ठीक है, तो क्या एक क्वेश्चन जनरेट होता है, क्या व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को छोड़ सकता है? नहीं नहीं सर। क्यों नहीं छोड़ सकता? छोड़ सकता है सर, स्वेच्छा से अगर चाहे तो। स्वेच्छा से छोड़ सकता है जी। अच्छा शिशिर, तो आपका मूल अधिकार को छोड़ेंगे तो फिर उसको विकास करते होगा। अच्छा, हम लोग प्रस्तावना में पढ़े थे कि हम भारत के लोग जी। ठीक है। यस सर। तो हम भारत के लोग मतलब मैं खुद हूँ क्या, एक अकेला थोड़ी हूँ मैं? नो सर, वी है। ठीक है शिशिर जी, देखो अच्छा, राइट किसके पास होता है ये बताओ पहले। राइट रखने का अधिकार किसके पास होता है? सभी भारतीय नागरिकों को। नहीं, जिसके पास विधिक अधिकार होता है उन अधिकारों को रखने का, है ना। अगर आपके पास कोई राइट है तो यू शुड हैव अ लीगल राइट, आपको विधिक अधिकार होना जरूरी है, तभी वो अधिकार मिलेंगे। जैसे आपको वोट देने का अधिकार है, तो वोट देने का अधिकार कब मिलेगा? जब आप 18 साल के हो जाओगे, तब। आप 17 साल की उम्र, आप 17 साल की उम्र में दे सकते हो क्या वोट? नहीं सर। नो सर, दे सकते, क्योंकि आपको कोई लीगल राइट नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को? इतनी बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर। ठीक है, और अगर अपने अधिकारों को त्यागना हो तो क्या है, उसके पीछे कोई आशय होना चाहिए कि क्यों त्याग रहे हो, है ना। देखो ये एकदम इसको पढ़ोगे ऐसे समझ नहीं आएगा, पहले जान लो कि क्या होता क्या है, राइट्स क्या होते हैं, त्यागना क्या होता है, पहले उन बातों को समझ लो, फिर वो केसेस के हिसाब से अपन समझेंगे कि क्या बोला है कोर्ट ने कि अभित्याग का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, आ रही आवाज? जी सर। हाँ सर, आ रही है। ठीक, तो जो हमारा संविधान है वो हम सभी को क्या देता है, एक फंडामेंटल राइट देता है। ठीक है। यस सर। देता है, और वो उस राज्य का कर्तव्य है उन अधिकारों का संरक्षण करना। ठीक, हमारे देश में क्या है, दो प्रकार के राइट होते हैं। हमारे देश में जो लोगों के पास राइट है वो दो प्रकार के राइट्स होते हैं। पहला एक इंडिविजुअल राइट होता है और दूसरा पब्लिक बेनिफिट, यानी कि सामाजिक हित के लिए या फिर लोक हित के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं सर। नो सर, नहीं समझ में आ रहा है। एक होता है आपके खुद के लिए, एक राइट होता है आपके खुद के लिए कि आपको कब सोना है, कब जागना है, कब खाना पीना है, एटसेट्रा। ठीक है, और दूसरा होता है जनसाधारण के लिए, जनसाधारण के लाभ के लिए, है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वो जनसाधारण को दिया है राइट, है ना। वो आपका स्वयं का राइट नहीं है, वो दिया गया है आपको। ठीक है, तो दिया गया राइट जो है वो आप स्वेच्छा से त्याग नहीं सकते। ठीक है, अमेरिका के संविधान में इस चीज को बताया गया है
डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अब इस वहां पर कारण यह है कि कोई भी अपने अधिकारों का त्याग इसलिए कर सकता है क्योंकि वहां पर लिटरेसी बहुत ज्यादा है, लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं। लेकिन भारत में क्या है, पुअर्टी ज्यादा है, लिटरेसी कम है ना। तो ये माना जाता है कि भारत के लोग जो है वो अपने अधिकारों से क्या है, अनभिज्ञ हैं। समझ रहे हो शिशिर? यस सर, समझ रहा हूँ। समझ रहे हो ना जी कि आप जब तक लॉ नहीं पढ़े थे फिर भी 12वीं तक पढ़े थे तो क्या आपको अपने अधिकारों के बारे में पता था? नहीं सर, नहीं पता था। क्या अगर कोई बीकॉम करने वाला बंदा बता सकता है अपने अधिकारों के बारे में? नो सर, नहीं बता सकता क्योंकि अननोन रहते हैं अपने अधिकारों के बारे में। तो कोर्ट ये सोचता है कि जब पढ़े लिखे व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते तो क्या जो गांव में लोग रहते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग, जो गरीब हैं, क्या वो अपने अधिकारों के बारे में जानते होंगे? नो सर, नहीं जानते होंगे। ये जो वेवर है ना, अधित्याग का सिद्धांत, ये सुरक्षा देता है एक कि अगर कोई व्यक्ति भूलवश अपने अधिकारों का परित्याग कर दिया है तो हम उसका क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसका संरक्षण करेगा, संरक्षा करेगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? यस सर, जी सर। ठीक, अब आते हैं केस में। पहली बात तो हमेशा याद रखना कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता, एकदम याद रखना। ठीक है, तो पहला केस आया था जो बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1955 SC 146। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया कि अधित्याग का सिद्धांत जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के संविधान की व्याख्या करने में लागू करता है, भारतीय संविधान के भाग 3 के उपबंधों के निर्वचन में लागू नहीं होता। आपको मैं पहले ही बोला कि अमेरिका के संविधान में लागू होता है, क्यों होता है, उसके पीछे का कारण बताया। सबको उनका अधिकार पता है, ये माना जाता है क्योंकि पुअर्टी कम है तो लिटरेसी ज्यादा होगी, और ज्यादा लिटरेसी होगी तो ये माना जाएगा लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज है, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हमारा देश डेवलप कंट्री नहीं है, है ना, विकसित देश नहीं है, विकासशील है, जो विकास कर रहा है। और हमारे देश में क्या बोलना चाहिए, गरीबी ज्यादा है, लिटरेसी कम है, तो ये माना जाता है कि सभी को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 के उपबंधों के निर्वचन में लागू नहीं होती ये बात। ठीक है, क्यों, कोई भी व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकार को छोड़ने के लिए और अपने को दोषी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, लोक नीति के आधार पर जनसाधारण के हित के लिए संविधान में रखे गए हैं। अतः अधित्याग का सिद्धांत उन अधिकारों पर लागू नहीं होता है। मतलब एक अधिकार जो आपके स्वयं के हैं, ठीक है, और एक आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिला है मूल अधिकार के रूप में। ठीक है, तो आप अपने अधिकारों का त्याग कर सकते हैं लेकिन फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 14 इस बात को वर्जित करता है। ठीक है, आर्टिकल 14 अभी याद रखना ना, आर्टिकल 14 आगे के केस में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। शिशिर आ गया सर। ठीक, फिर क्या हुआ, एक दूसरा केस था विशेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, AIR 1959। ठीक है, इस मामले में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मामला आया। देखो ये जो दो केसेस है ना, विशेश्वर वर्सेस कमिश्नर और मुथैया वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये दोनों एक साथ है।
ठीक है, जब एक केस को पढ़ेंगे तो दूसरा केस भी मिला के पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो इसमें ना यस सर, केंद्रीय आयकर अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत, नोट कर लो इसको, केंद्रीय आयकर अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत अपीलार्थी, इसमें अपीलार्थी कौन हुआ? शिशिर, यस सर, अपीलेंट कौन हुआ इसमें? कौन से वाले केस में बोलो सर? विशेश्वर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में, विशेश्वर सर, विशेश्वर। ठीक है, तो सर ये जो केंद्रीय है की धारा, केंद्रीय आयकर अधिनियम की धारा आयकर की धारा 5(1), ए, हाँ 1(1) जी, अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध एक आयकर जांच आयोग नियुक्त किया गया, जिसमें यह पाया गया कि अपीलार्थी ने एक बहुत बड़ी रकम छुपाई थी और आयकर भी चुकता नहीं किया था। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति था जिसने बहुत बड़ी रकम छुपाई इनकम टैक्स से बचने के लिए, ठीक है, और बाद में पकड़ा गया, उसके खिलाफ आयोग बैठा। ठीक है ना, इसके पश्चात अपीलार्थी ने आयकर अधिकारियों के साथ आयकर पर जुर्माने के रूप में 3 लाख रुपए किश्तों में चुकता करने का समझौता किया। इतनी बात आई समझ में कि केस में क्या हुआ था? कि एक व्यक्ति केंद्रीय आयकर अधिनियम की धारा 5(1) के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध एक जांच आयोग बैठी, क्यों? क्योंकि उसने बहुत बड़ी रकम आयकर इनकम टैक्स ऑफिस से छुपा के रखी थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ठीक है, बाद में पता लगा कि उस व्यक्ति के पास बहुत सारी रकम है और उसने इनकम टैक्स पे भी नहीं किया, है ना। बाद में वो जो व्यक्ति था विशेश्वर, उसने क्या किया, आयकर अधिकारियों के साथ समझौता किया कि मैं ये रकम जो है 3 लाख रुपए जो होता है मेरा जुर्माना, उसको मैं धीरे धीरे किस्तों में चुकाऊंगा। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? हाँ सर। अब नेक्स्ट केस है मुथैया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर। अब क्या किया गया, जो आयकर अधिनियम की धारा 5(1) है उसको क्या कर दिया? अच्छा, ये केस जो था ना विशेश्वर नाथ, ये जो समझौता किया था ये 1954 में किया था। ठीक है, कब किया था? 1954 में। फिर 1995 में जब ये मुथैया वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वाला केस आया, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, तो जो जांच आयोग बैठी थी ना केंद्रीय आयकर अधिनियम की धारा 5(1) के अकॉर्डिंग, 5(1) के अनुसार, है ना, उसको क्या किया गया, अनुच्छेद 14 के तहत क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्या किया गया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया सर। असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, तब जब ये असंवैधानिक घोषित हो गया ना 5(1), तब विशेश्वर नाथ जो था वो उस रकम के संबंध में जिसे वो चुकता करने का समझौता किया था आयकर अधिकारियों के साथ, है ना, उसने आपत्ति उठाई और बोला कि जो आपने अधिनियम के तहत जांच आयोग बैठाया था मेरे ऊपर, वो तो अब क्या हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, असंवैधानिक हो गया, है ना। ठीक है, तब आयोग, जो आयोग बैठा था, उनकी तरफ से बोला गया कि मान भी लिया जाए कि अधिनियम की धारा 5(1) अवैध है, तो भी अपीलार्थी ने आयोग के साथ आयकर चुकाने के लिए समझौता किया और ऐसा करके अनुच्छेद 14 में निहित अपने अधिकार को स्वेच्छा से क्या कर दिया, छोड़ दिया, अतः अब वह उसका दावा नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब समझे कि नहीं इस केस, दोनों केस को मिला के? आया।
देखो मैं हो सकता है लाइटनिंग फास्ट नहीं हूँ, है ना, स्लो स्लो पढ़ाता हूँ, थोड़ा बोर भी लगे तो पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा। हेलो शिशिर, जी सर। हाँ दोनों केस को मिला के बताओ कि क्या हुआ था। सर पहले केस में जब छानबीन हुई केंद्रीय आयकर की जो अधिनियम की धारा 5A के तहत, तो फिर पता चला कि ये अपना इनकम टैक्स का मैटर छुपा के रखा है, तो उसका फिर फाइन बना 3 लाख रुपए के आसपास का। तो फिर ये अधिकारियों से समझौता करता है कि मैं उस 3 लाख की जो रकम है उस फाइन को मैं धीरे धीरे किस्तों में चुकाऊंगा, ऐसा करके। ठीक सर। नहीं, एक्चुअल में जो 5A है ना, जो केंद्रीय आयकर अधिनियम की धारा जो 5A है, उसके तहत जो था विश्वेश्वर नाथ के विरुद्ध ना एक जांच आयोग बैठा, ठीक है ना, जी समझ लो 5A के अकॉर्डिंग में आपके खिलाफ एक जांच आयोग बैठा। जांच आयोग ने पाया कि आपने इनकम टैक्स ऑफिस से छुपा कर बहुत सारे पैसे बना दिए और आपने इनकम टैक्स पे भी नहीं किया, है ना। उस जांच आयोग ने आपकी सारी गड़बड़ी को पकड़ा, ठीक, और जब पूरी गड़बड़ी पकड़ा गई उसके बाद आपने उन आयकर अधिकारियों के साथ समझौता किया कि जो ये जुर्माने की राशि 3 लाख रुपए है वो मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, पे करूंगा, है ना, इसका यस समझौता किया। लेकिन मुथाया वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के मामले में क्या हुआ कि जो अधिनियम की धारा 5A था उसको क्या कर दिया गया, आर्टिकल 14 के विरुद्ध असंवैधानिक। मान के उसको असंवैधानिक करार दिया गया कि आप ऐसा जांच आयोग नहीं बैठा सकते, है ना। अब जो पैसा पटा रहा था अपीलार्थी विश्वेश्वर नाथ, उसने आपत्ति उठाई, तब जांच आयोग ने कहा कोर्ट के सामने ये कहा कि मान भी लिया जाए कि एक्ट को केंद्रीय आयकर अधिनियम की धारा 5A अवैध है, लेकिन फिर भी विश्वेश्वर नाथ ने अपनी गलती को माना और उनके साथ जुर्माने की रकम पटाने का क्या किया, समझौता किया। तो ये माना जाएगा कि उसने अपने अधिकार को क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, ठीक है, उस समय। नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। आ गया ना? यस सर। तो जांच आयोग क्या बोला कि अब वो उसका दावा नहीं कर सकता। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मूल अधिकार को त्याग नहीं सकता, यानी कि अगर आर्टिकल 14 के तहत उसको कोई अधिकार संविधान के द्वारा मिला हुआ है तो वो नहीं छोड़ सकता, है ना। ये अधिकार न केवल व्यक्तिगत हित के लिए संविधान में निहित किए गए हैं, वरन लोक नीति के रूप में पूरे समाज के हित के लिए प्रतिस्थापित किए गए हैं। देखो तो दो चीज बताया था मैं आपको, एक अपने ओन राइट होते हैं और एक पब्लिक जनरल पब्लिक पॉलिसी के तहत तो उनके बेनिफिट के लिए होता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरल पब्लिक बेनिफिट के लिए है, ना कि किसी ओन इंडिविजुअल के लिए। हो गया? यस आया समझ? नहीं आया समझ? सर। आ गया सर। आया सर। आ गया। तो सर मेरी तरफ से खत्म है। हाँ ठीक है सर। आज का आज के लिए तीनों डॉक्ट्रिन ठीक है, अब फिर समझ नहीं आएगा आगे की चीजें। आप लोग को अगर कोई डाउट